हेलो बच्चों, मैं आर के सर जुगल सर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, ये नाउ धारा का आज ये पहली क्लास है और अपन कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में पूरा का पूरा नाउ धारा को कंप्लीट कर ले, क्योंकि जो भी तीन से चार टाइप के सवाल बनते हैं पूरा का पूरा इसी क्लास में अपन समाप्त करेंगे। देखो, जितना आपके रेलवे के हिसाब से चीजें बनती है ना बेटा, वो सारा मैं करवा रहा हूं और आपको भी इतने करने की आवश्यकता है प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है ना। बहुत ज्यादा चीजों को फैला के मत पढ़िए, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। लास्ट टाइम पर स्मार्ट स्टडी करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों का रिवीजन कर पाओगे, लेकिन चीजों को अगर फैला कर पढ़ोगे ना लास्ट टाइम पर, फिर आप रिविजन नहीं कर पाओगे, और रिविजन नहीं किया तो फिर आपका पढ़ना और ना पढ़ना बराबर है, ठीक है ना। तो चीजों को लास्ट टाइम पर उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है ना। बाकी फिर साल भर जो तैयारी अपन करते हैं ना, उसकी अलग बात होती है, लेकिन लास्ट टाइम पर क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो अलग चीजें हो जाती हैं। चलिए, तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और मैं आपको बता दूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, वो आपके रेलवे के अकॉर्डिंग बहुत सफिशियंट मेटेरियल है, ठीक है ना। चलिए, तो उसमें आप कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। स्पेशली जो टेक्नीशियन और जो एलपी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको तो कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, यहां से अपन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये जो नाव और धारा वाला चैप्टर है, इसको एक ही क्लास में पूरा खत्म करेंगे अभी, ठीक है ना। और यहां से एक सवाल पेपर में है ना जरूर बन सकता है, इस बात का ध्यान से देखना, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, जैसे यहां से अपन देखेंगे, जैसे यहां पर नाव, यहां पर बोलेगा नाविक और यहां पर बोलेगा आदमी। चलिए, सवाल में या तो बोलेगा नाव या बोलेगा नाविक या बोलेगा आदमी, ठीक है ना। चलिए, इन सभी को अपन को समान समझना है। इन सभी का मतलब समान होता है, और इन सभी की जो चाल है ना बेटा, वो अपन एक्स मानेंगे, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा या फिर एक्स मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर इस बात को हमें ध्यान रखना, नाव बोले, नाविक बोले या फिर आदमी बोले, इन तीनों का एक ही मतलब होता है, और इनकी जो चाल है ना वो अपन एक्स मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां पर एक होते हैं धारा या फिर यहां पर होता है पानी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर ये जो धारा होती है, यहां पर ये जो पानी होता है, इसकी जो चाल है अपन वाई किलोमीटर प्रति घंटा मान के चलेंगे या फिर वाई मीटर प्रति सेकंड मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, यहां से ध्यान से देखना बेटा, ये जो वाई होता है ना, ये जो धारा होती है, धारा होती है बहता पानी, हमेशा जो बहता पानी होता है ना उसी को ही धारा बोला जाता है। बात आ रही समझ में? जो बहता पानी होता है ना उसी को ही धारा बोला जाता है। तो यहां पर इस जो बहते पानी की चाल है अपन क्या मान के चलेंगे? हमेशा वही मान के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां पर एक होता है शांत जल। शांत जल मतलब ठहरा हुआ पानी। देखो बेटा, यहां से ध्यान से देखना, शांत जल मतलब पानी है ना जहां का जहां ही है ना, ये पानी मूवमेंट नहीं कर रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, तो ठहरा जल, शांत जल, ठीक है ना। और जो इसकी चाल है ना, इसकी चाल को क्या माना जाता है? जीरो माना जाता है। अगर सवाल में कभी भी बोल दिया जाए कि शांत जल, शांत जल का मतलब उसकी चाल जीरो के बराबर है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से दो तीन टर्म और भी आती हैं, जैसे सवाल में बोलेगा, जैसे सवाल में बोलेगा कि नाव की दिशा में या फिर पानी की दिशा में, पानी की दिशा बोले, ठीक है ना, या तो पानी की दिशा आपको बोला जाएगा या फिर बोला जाएगा आपको धारा की दिशा बोला जाएगा, ठीक है ना। चलिए, धारा की दिशा, या तो सवाल में आपको बोलेगा कि पानी की दिशा में या फिर सवाल में बोलेगा कि धारा की दिशा में, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से पानी की दिशा बोले या फिर धारा की दिशा बोले, इन दोनों का मतलब समान ही होता है। एक मेरा शब्द होगा पानी के विपरीत,
या फिर धारा के विपरीत। चलिए तो यहां से बेटा ध्यान समझना, जो धारा की दिशा होगी ना, जो धारा की दिशा होगी उसको अनुकूल भी बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको बोलेगा कि धारा के अनुकूल, ठीक है ना, तो वहां पर आपको धारा की दिशा में समझना है। अगर धारा के विपरीत बोले तो बहुत बार इसको बेटा प्रतिकूल भी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से जब भी बात करेगा ना कि धारा के प्रतिकूल, तो आपको उसको ऐसे समझना है कि धारा के विपरीत की बातें चल रही थी, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को और भी समझना, अगर यहां से मैं आपको बात को और भी समझाऊं तो यहां से ध्यान समझना, एक शब्द आपका होगा प्रतिकूल और एक शब्द होगा आपका अनुकूल, ठीक है ना। इस अनुकूल शब्द के बारे में तो मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, आप बोलोगे धारा की दिशा में। चलिए इसके अलावा ये जो शब्द होगा प्रतिकूल, इसके बारे में आप यहां से मुझे बताइए धारा के विपरीत। चलिए यहां पर कुछ और भी शब्द होते हैं बेटा, इस अनुकूल शब्द को एक और नाम से बोला जाता है और यहां से धारा के विपरीत शब्द को एक और नाम से बोला जाता है, ठीक है ना। इसको बोला जाता है अनुप्रवाह और इसको बोला जाता है उद्र प्रवाह बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर इन शब्दों का जो मतलब है ना उनको ध्यान रखना। अगर यहां पे अनुकूल की बात करेगा मतलब धारा की दिशा की बात करेगा और उसी को अनुप्रवाह बोला जाता है, अगर यहां पर प्रतिकूल की बात करेगा धारा के विपरीत की बात करेगा और उसको क्या बोला जाता है उद्र प्रवाह बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर अपन ने जो कुछ कुछ शब्द लिखे हैं ना इनको ध्यान रखना, जैसे अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, प्रतिकूल धारा के विपरीत, ठीक है ना। चलिए यहां से अनुप्रवाह धारा के अनुकूल धारा की दिशा में और उद्र प्रवाह धारा के विपरीत, ठीक है ना। चलिए इन शब्दों का जो मतलब है वो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। चलिए अगर मैं इसके बाद की बात करूंगा तो यहां से बेटा आपको ये इस प्रकार से ध्यान रखना है कि ये जो x प्लस वाई होता है ना और यहां पर ये जो x माइनस वाई होता है, इन दोनों का मतलब ध्यान से समझना है, ठीक है ना। x प्लस वाई का मतलब ये होता है कि धारा की दिशा में चाल, चलिए यहां से जो x माइनस वन होगा धारा के विपरीत दिशा में चाल, ठीक है ना बेटा। चलिए तो यहां पर जब भी अपन धारा की दिशा में चाल की बात करेंगे ना तो यहां पर x प्लस वाई आपको लेना है, अगर यहां पर धारा के विपरीत चाल की बात करेंगे ना तो यहां से आपको क्या लेना है x माइनस वाई लेना है। मैं आपको कुछ कुछ और भी टर्मोलॉजी समझा देता हूं, जैसे वो बोलेगा कि नाव की चाल शांत जल में, या फिर वो बोलेगा नाव की चाल धारा के अनुकूल नाव की चाल धारा के प्रतिकूल, ठीक है ना बेटा। चलिए तो यहां पर इन लाइनों का मतलब समझना, क्योंकि यहां पर इनका मतलब समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए आप बोलोगे सर नाव की चाल कहां पर लेनी है, शांत जल में लेनी है। जब भी नाव की चाल शांत जल में आपको लिखनी हो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नाव की चाल अगर बोला है धारा के अनुकूल, ठीक है ना, अगर धारा के अनुकूल बोला है तो आप यहां पर जो चाल है ना बेटा उसको एक्स प्लस वाई लोगे।
अगर यहाँ पर जो नाव की चाल है वो धारा के प्रतिकूल बोला है तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर x माइनस वाई लेना है, ठीक है ना। अगर सिर्फ नाव की चाल बोले तो x लेना है, नाव की चाल शांत जल में तो भी x लेना है, नाव की चाल धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में x प्लस वाई लेना है, और नाव की चाल धारा के प्रतिकूल आप क्या लोगे, आप बोलोगे गुरुजी x माइनस वाई लेना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर कुछ कुछ बातें हैं, और कभी भी आपको बोले धारा की चाल तो धारा की चाल को आप क्या मान के चलोगे, आप मान के चलोगे वही मान के चलोगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बातों को समझना, यहां से कुछ और भी बातों को समझना जो काम आने वाली बातें हैं। अगर x प्लस वाई का मान सवाल में 40 दे के रखा है और यहां से x माइनस वाई का मान सवाल में 30 दे के रखा है, क्या मुझे आप इस x और y का मान बता सकते हो क्या? ध्यान से देखना, अगर एक समीकरण आपको प्लस में मिले और एक समीकरण आपको माइनस में मिले, आपको x और y का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। आपको देखो क्या करना है, जिस संख्या के आगे प्लस लगा है ना, मतलब यहां पर x का मान कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़कर दो का भाग देना है। 40 में 30 को जोड़ा 70, 70 में दो का भाग दोगे 35 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर y का मान निकालना है, इन दोनों को घटाकर दो का भाग दीजिए, ठीक है ना। 40 और 30 का अंतर 10 हो जाएगा, 10 में दो का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस y का मान तो 35 आ गया और इस x का मान तो 35 आ गया, और y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर मैंने आपको बोला कि x प्लस वाई जैसे मान लो 70 है और यहां से x माइनस वाई जैसे मान लो 50 है, आपको सवाल में बोल दिया कि x का मान क्या होगा, दोनों को जोड़कर दो का भाग देना है, इन दोनों को जोड़ा 120, 120 में दो का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर मुझे y का मान निकालना है, कैसे निकालोगे, इन दोनों का अंतर लीजिए फिर दो का भाग दीजिए, इन दोनों का अंतर लिया 20 आएगा, 20 में दो का भाग देंगे कितना जाएगा, आप बोलोगे 10 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए लेकिन अगर आपको अनुपात निकालना है तो फिर दो का भाग देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अगर ये आपको वास्तविक संख्या निकालनी है ना बेटा, तो फिर आपको दो का भाग देने की आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ आपको अनुपात निकालना है तो फिर आपको दो का भाग देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि x प्लस वाई का मान 5 दे के रखा है और x माइनस वाई का मान 2 दे के रखा है, अगर आपको सवाल में x अनुपात y की आवश्यकता है, ठीक है ना, जब भी आपको अनुपात में निकालना है तो फिर आपको दो का भाग देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। इस x का मान कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ दो वही आपका x का मान हो जाएगा, तो आप बोलोगे 7। इस y का मान कैसे निकालोगे, इन दोनों का अंतर ले लो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां पर x और y का जो अनुपात है वह कितना मिल जाएगा, 7:3 मिल जाएगा। अगर अनुपात में निकालना है तो दो का भाग देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जैसे x प्लस वाई का मान 10 बोला है और x माइनस वाई का मान 7 बोला है, आपको x और y का मान निकालना हो, x का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़िए 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। y का मान कैसे निकालेंगे, दोनों का अंतर लीजिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां पर x और y का जो अनुपात है वह कितना मिल जाएगा, 17:3 मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर अगर अनुपात निकालना है तो फिर आपको यहां पर क्या भाग देने की आवश्यकता नहीं है दो की, ठीक है ना। चलिए आपके कमेंट में साथ साथ में पढ़ रहा हूं, आप लोग बढ़िया से पढ़ाई पर ध्यान दो, कमेंट थोड़ा कम किया करो, ठीक है ना। थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम हो ना, आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा तो ही कमेंट किया करो, नहीं तो पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है ना, पढ़ाई काम आएगी आपके। 100 बातों की एक बात है, पढ़ने से ही आपका भला होगा बेटा, फालतू राजनीति करने का है ना कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली आपका जो आपका लक्ष्य है ना वो पढ़ाई दिलाएगी आपको। अपन अमीर बाप की औलाद नहीं है कि 2-5 करोड़ रुपए पिताजी के खाते में इकट्ठे हो, ठीक है ना। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपका जो आधार है ना वो अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है, मेरा भी गरीबी रेखा के नीचे था, ठीक है ना। लेकिन पढ़ लिख कर नौकरी लगे थोड़ा सा ठीक हो गए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पढ़ाई एकमात्र ऐसा जरिया है जो अपन
उस गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकते हैं, नहीं तो अपने पास में कोई है ना दम वाली बात नहीं है। कई लोग बिजनेस करने की सोचते हैं कि सर बिजनेस कर लो, भाई पैसा नहीं होगा ना तो बिजनेस नहीं कर पाओगे। फिर से बता रहा हूं, आपका आइडिया आइडिया रह जाएगा, तो पहले नौकरी लगो उसके बाद बिजनेस की सोचना। आपके पास पैसा रहेगा ना तो सब कुछ दुनिया में हासिल किया जा सकता है, अगर नहीं रहेगा ना तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि आप पढ़ाई पर ध्यान दो थोड़ा, है ना, फालतू की राजनीति मत करो, पहले नौकरी लगो, उसके बाद जो भी पैसा आएगा आप दुनिया भर का कहीं इन्वेस्ट करो, कहीं बिजनेस करना वो बिजनेस करो, है ना, बहुत कुछ चीजें करने के लिए, है ना, लेकिन पहले पढ़ाई करो, नौकरी लगो। चलिए अगर मैं यहां से आगे की बात करूंगा, देखो यहां पर अगर सवाल में ऐसा बोला है ना, देखो यहां से इस बात का ध्यान से देखना कि नाव की चाल हमेशा धारा की चाल से अधिक रहे। बेटे इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो नाव की चाल है ना हमेशा ही धारा की चाल से ज्यादा रहेगी, है ना, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। चलिए तो यहां पर कहने का मतलब यह है, जैसे x और y का अगर मैं मान लिखूंगा ना तो हमेशा इस x का मान हमेशा ज्यादा आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर मैं यहां से चाल की बात करूंगा ना बेटा, तो चाल हमेशा नाव की चाल ज्यादा रहेगी, धारा की चाल कम रहेगी। तो यहां पर जब भी मैं चाल का अनुपात लिखूंगा तो आप बोलोगे गुरुजी x का मान ज्यादा रखना है, कौन से केस में, अगर आपको चाल का अनुपात लिखना है, ठीक है ना। ये आपके कहां काम आएगा, देखो मैं यहां से आपको बता देता हूं, ये यहां काम आएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि नाव की चाल धारा की 3 गुना है, ठीक है ना। चलिए अगर नाव की चाल धारा की 3 गुना है तो आप बोलोगे सर नाव की चाल x को बोला जाता है और यहां से धारा की चाल y को बोला जाता है, 3 गुना की बात करेंगे तो आपको पता है कि 3 गुना 3:1 होता है। अगर मैं यहां से चाल के अनुपात लिखूंगा ना तो x का मान 3 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसे 3 गुना में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें सही आपका x का मान ज्यादा होगा, कौन से केस में, जब आप चाल का अनुपात लिखोगे, ठीक है ना, और y का मान हमेशा ही कम होगा। कहने का मतलब नाव की चाल ज्यादा होगी और यहां से धारा की चाल हमेशा कम होगी, ठीक है ना। चलिए अगर मैं यहां से बात करूंगा, इस बात को भी हमेशा ध्यान रखना कि अगर दूरी समान हो तब चाल तथा समय उल्टे हो जाते हैं। चलिए इस बात को हमें ध्यान रखना। देखो पहले मैं जितनी भी थ्योरी इस चैप्टर में बनती है ना सारे के सारे मैं आपको बताते चलता हूं, ठीक है ना। चलिए इस बात का हमें ध्यान रखना कि जब भी दूरी समान होती है तो यहां से आपको मैंने पहले भी सिखाया है कि चाल और समय आपस में उल्टे हो जाते हैं। जैसे यहां पर अगर दूरी समान है, मैंने आपको यहां से चाल का अनुपात जैसे मान लो 2:3 दे दिया, अगर चाल का अनुपात 2:3 दे दिया तो यहां से जो समय का अनुपात है बेटा कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। बात आ रही समझ में, अगर चाल का अनुपात 2:3 है तो फिर समय का अनुपात 3:2 हो जाएगा। ये कब होगा, जब आपकी दूरी समान होती है, ठीक है ना। चलिए जब दूरी समान हो, चलिए अगर मैं इसके आगे की बात करूंगा तो यहां से ध्यान से समझना, जैसे सवाल में x प्लस वाई और x माइनस वाई, आपको पता है कि x प्लस वाई किसको बोला जाता है, आप बोलोगे सर धारा की दिशा में, और x माइनस वन बोलेंगे धारा के विपरीत, ठीक है ना। चलिए
आपको देखो एक्स प्लस वाई का मान का मतलब क्या समझना है, धारा की दिशा में नाव की चाल। एक्स माइनस वाई का क्या मतलब समझना है, आप बोलोगे गुरुजी धारा के विपरीत, ठीक है ना। चलिए अगर यहां से चाल का अनुपात देगा तो आपको पता है, आप खुद बताइए धारा की दिशा में आप अगर जाते हो तो आप जल्दी जल्दी चलोगे, ठीक है ना। कुछ बातें वो हैं जो आपको खुद सोचनी पड़ेगी, अगर धारा की दिशा में आप जाओगे तो आप जल्दी जल्दी तैरोगे, जल्दी जल्दी तैरोगे मतलब आपकी चाल भी ज्यादा होगी। अगर आप धारा के विपरीत आओगे तो आप बोलोगे गुरुजी थोड़ी सी चाल मेरी है ना धीरी हो जाएगी। तो यहां से हमेशा ध्यान रखना कि धारा की दिशा वाली जो चाल है ना बेटा वो हमेशा ही ज्यादा मिलेगी, और धारा के विपरीत वाली जो चाल है ना वो हमेशा ही कम मिलेगी। अगर चाल का अनुपात यह है, क्या मुझे आप यहां पर समय का अनुपात बता सकते हो क्या, आप बोलोगे गुरुजी उल्टा रख दो, ठीक है ना। चलिए अगर चाल का अनुपात 5:3 है तो फिर समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। कई बात क्लियर है क्या। चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझोगे तो यहां से जैसे सवाल में कभी भी अगर बोल देना कि धारा की दिशा में धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा में जाने से 3 गुना अधिक समय लगता है। चलिए इस लाइन से क्या समझोगे, इस लाइन से बेटा ये समझना है कि आपको यहां पर जो अनुपात है ना वो किसका देके रखा है, वो समय का देके रखा है कि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत जाने में धारा की दिशा से आ जाने से 3 गुना अधिक समय लगता है। तो आपको पता है कि धारा की दिशा वाली चाल को x प्लस वाई और धारा के विपरीत वाली चाल को x माइनस वाई, अगर यहां से चाल का अनुपात लिखेंगे, देखो 3 गुना बोला गया था, अगर चाल का अनुपात लिखेंगे ना तो 3:1 होगा, क्योंकि धारा की दिशा में जाएंगे ना उसको बड़ा ही रखना है और धारा के विपरीत आएंगे ना उसको छोटा ही रखना है। अगर चाल का अनुपात यह है बेटा तो फिर समय का अनुपात क्या हो जाएगा, आप बोलोगे गुरुजी 1:3 हो गया। यहां पर चाहे वो समय का अनुपात दे, यहां पर चाहे वो चाल का अनुपात दे, आपको सबसे पहले चाल का अनुपात लिखना है। चाल धारा की दिशा वाले को ज्यादा देना और धारा के विपरीत वाले को कम देना, ठीक है ना। इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट वाली बातें होती है ना बेटा वो इतनी है, इसके बाद में बस सवालों का खेल है, ठीक है ना। तो अब हम सवालों को स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझना। चलिए देखो यहां से पहला सवाल, इस चैप्टर का जो पहला सवाल है देखो क्या है, मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं तब तक। चलिए यहां पर जो पहला सवाल है ना बेटा देखो ध्यान से देखना, पहले सवाल में बोला गया था यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल, देखो जैसे जैसे मैं आपको सिखाऊं ना वैसे वैसे चीजों को सीखने की कोशिश करना, ठीक है ना। इस चैप्टर में हर वो सवाल में आपको करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहां पर ध्यान समझना, शांत जल में किसी तैराक की चाल, आप मुझे बताइए कि शांत जल में अगर किसी तैराक की चाल की बात करेंगे, तैराक का क्या मतलब हो गया, नाव हो गया, नाविक हो गया या आदमी हो गया। अगर शांत जल में तैराक की चाल मतलब आदमी हो गया ना तैराक, चलिए तो शांत जल में तैराक की चाल को क्या बोला जाता है, एक्स बोला जाता है। चलिए तो यहां पर इस एक्स का जो मान है ना बेटा कितना बोला है, यहां पर 9 दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल में बोला है धारा की चाल, सिर्फ धारा बोला है, धारा के साथ में धारा की दिशा विपरीत कुछ नहीं बोला, सिर्फ धारा बोला गया है। तो धारा की चाल को वाई बोला जाता है, तो इस वाई का जो मान है वो कितना बोला है, 5 बोला है। शांत जल में नाविक की चाल को एक्स बोला जाता है, तो शांत जल में तैराक मतलब एक्स का मान 9
और धारा की चाल, कुछ भी नहीं बोला ना कि धारा की दिशा, धारा के विपरीत, तो आप एक्स और वाई मान के चलोगे। तो धारा की चाल, ठीक है ना, धारा की चाल को वाई, तो वाई का मान 5 बोला है। सवाल में क्या पूछा है कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का क्या मतलब होता है, एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है ना। चलिए, धारा के प्रतिकूल एक्स माइनस वाई होता है और धारा के अनुकूल क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है। बात समझ में आ रही है, धारा के प्रतिकूल चाल को क्या बोला जाता है, मैंने आपको लिखवाया था पहले ही, ठीक है ना। धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई बोलेंगे चाल को, और यहां पर धारा के अनुकूल क्या बोलेंगे, x प्लस वाई बोलेंगे। तो आपको क्या निकालना है कि धारा के प्रतिकूल और धारा के, है ना, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल आपको चाल निकालनी है। तो आप बोलोगे सर धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई, 9 में से 5 को माइनस करोगे यहां पर 4 हो जाएगा, x प्लस वाई 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर धारा के प्रतिकूल चाल तो 4 आ गई और धारा के अनुकूल चाल कितने आ गई, 14 आ गई। आप ये देख लो ये ऑप्शन कौन से में प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलिए, इस सवाल में कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पर सवाल नंबर 2 है ना, ध्यान समझना। इस जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में बस लैंग्वेज का खेल है, ध्यान समझना। अगर मैं यहां से बात करूंगा, देखो सवाल में क्या बोला है, धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल, सवाल में बोला है ना कि धारा की दिशा में, अगर धारा की दिशा में बोला है मतलब नाव की चाल धारा की दिशा में क्या होती है, एक्स प्लस वाई होती है। चलिए, तो यहां पर सवाल में क्या बोला गया था कि धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x प्लस वाई का जो मान है बेटा कितना बोला है आपको, 32 बोला है, क्योंकि धारा की दिशा में जो चाल होती है ना उसको x प्लस वाई बोला जाता है, ठीक है ना। चले आगे, अगर मैं सवाल को पढ़ूंगा, धारा के विपरीत क्या बोला जाएगा, आप बोलोगे गुरुजी एक्स माइनस वाई कर लो धारा के विपरीत, ठीक है ना। चलिए, तो धारा के विपरीत नाव की चाल है ना बेटा, वो कितनी बोली है, आप बोलोगे गुरुजी 28 बोला गया है, ठीक है ना। चलिए, सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है कि नाव की चाल शांत जल में क्या होती है, एक्स होती है, और धारा की चाल मतलब आपको वाई का मान निकालना है। बात समझ में आ रही है, नाव की चाल शांत जल में, मैंने क्या बताया था कि शांत जल में नाव की चाल को एक्स बोला जाता है और धारा की चाल को वाई बोला जाता है। तो आप बोलोगे नाव की चाल एक्स हो गई और धारा की चाल वाई हो गई, मुझे तो एक्स और वाई का मान निकालना है। अगर आपको वास्तविक मान निकालना है ना, तो आप एक्स का मान कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। अगर वाई का मान निकालना है, दोनों का अंतर लेकर 2 का भाग देना है। अगर x और y का अनुपात आपको निकालना है ना, तो अनुपात में 2 का भाग 2 चाहे मत 2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां पर तो वास्तविक मान निकालना है, x का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 मिला, 60 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर मुझे y का मान निकालना है, इन दोनों का अंतर लिया 4 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मेरा जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी 30 और 2 मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। इस सवाल में कहीं से भी कहीं तक कोई डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करिए। चलिए, मेरे हिसाब से कोई भी इस सवाल में डाउट नहीं होगा। अब आप मुझे इस बात को समझाइए, जैसे धारा की दिशा में पचास किलोमीटर जाने पर 10 घंटे लेता है, धारा के विपरीत 60 किलोमीटर जाने पर 5 घंटे
लेते हैं। चलिए यहां से मुझे इन दोनों का मतलब समझाइए। देखो यहां से ध्यान से देखना, धारा की दिशा में आप बोलोगे गुरुजी धारा की दिशा में जब भी बात आएगी ना तो चाल को अपन क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई लिखेंगे, ठीक है ना। और आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, आप बोलोगे गुरुजी दूरी बटे में समय होता है। यहां पर जो दूरी है ना बेटा वो 50 दे के रखी है और यहां पर जो समय है ना वो 10 दे के रखा है। 50 में 10 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहां पर बहुत बार क्या होगा कि डायरेक्ट चाल नहीं देगा, आपको दूरी और समय दे देगा, तो फिर चाल आपको निकालना है। तो यहां पर धारा की दिशा में मतलब एक्स प्लस वाई का जो मान है वो कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। देखो धारा के विपरीत की बात करूंगा तो आप बोलोगे गुरुजी धारा के विपरीत चाल को एक्स माइनस वाई बोला जाता है और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। दूरी यहां पर 60 बोली है और समय यहां पर 5 बोला है, 60 में 5 का भाग दूंगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मेरा क्या निकल के आ जाएगा, चाल निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत बार इस प्रकार के स्टेटमेंट भी देंगे तो आपको इस प्रकार के स्टेटमेंट में चीजों को ऐसे लेकर चलना है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां पर अगला सवाल ध्यान से देखना, ठीक है ना। अपना अगला सवाल यह है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की गति क्या है। सबसे पहले तो देखो क्या क्या देके रखा है, अगर मैं यहां से बात करूंगा ना बेटा धारा की गति, धारा की गति क्या होती है, वही होती है। इस वाई का जो मान है ना वो कितना दे दिया सवाल में, 2 दे दिया। भाई धारा की गति क्या होता है, वाई होता है, और वाई का मान कितना दे दिया, 2 दे दिया। चलिए सवाल में पूछा है कि शांत जल में नाव की गति, शांत जल में नाव की गति को क्या बोला जाता है, एक्स बोला जाता है। बात आ रही समझ में, शांत जल में नाव के चाल को एक्स बोला जाता है, मतलब मेरे से एक्स का मान पूछा है, ठीक है ना। चलिए सवाल में आगे देखेंगे तो आपको क्या देके रखा है, एक नाव धारा के विपरीत, धारा के विपरीत वाली चाल को क्या बोला जाता है, एक्स माइनस वाई बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर धारा के विपरीत वाली चाल को एक्स माइनस वाई बोलेंगे और आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। यहां पर दूरी की बात करेंगे तो 12 किलोमीटर बोला है, अगर यहां पर समय की बात करेंगे तो 48 मिनट बोला है। लेकिन आप मुझे खुद बताओ कि अगर मान लो दूरी को किलोमीटर में रखा है तो समय को भी किस में रखना पड़ेगा, आप बोलोगे घंटे में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगर दूरी को किलोमीटर में रखा है तो समय को भी घंटे में रखना है। तो यहां से ध्यान से समझना, यहां से ध्यान से समझना, अगर चाल में निकालूंगा क्योंकि एक नाव धारा के विपरीत वाले चाल को एक्स माइनस वाई बोला जाता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी सवाल में 12 किलोमीटर बोला है और यहां से समय 48 मिनट दे दिया, लेकिन 48 मिनट को घंटे में लिखना है क्योंकि दूरी अपन ने किलोमीटर में रखी है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से जैसे ही 48 को अपन 60 से भाग करेंगे ना, इस 48 को अपन जैसे 60 से भाग करेंगे तो 60 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहां से काट लो, देखो 12 इसको काटेगा 4 बार, 4 60 को काटेगा 15 बार। तो यहां से ध्यान से देखना कि x माइनस वाई का जो मान है बेटा वो कितना निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए यहां से अपन ने क्या निकाल लिया कि x माइनस वाई का जो मान है वो 15 निकाल लिया। इस y का मान 2 दे के रखा है, अगर y का मान 2 दे के रखा है तो 2 यहां से रख लो, ठीक है ना। इस माइनस के 2 को आप उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां पर जो x का मान है वो कितना निकल के आ गया, 17 निकल के आ गया, और अपन से सवाल में x का मान ही पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए इस सवाल में कहीं से भी कहीं तक कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए तो यहां पर देखो कुछ नहीं किया, x माइनस वाई है ना, तो आप बोलोगे सर धारा के विपरीत x माइनस वाई चाल होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 12 और समय 48, 48 मिनट में देके रखा था, 60 का भाग देंगे, ये नीचे वाला 60 ऊपर चला जाएगा, इसको काटेंगे तो x माइनस वाई का मान 15 आ गया, ठीक है ना।
इस y का मान 2 दे के रखा है तो x का मान कितना जाएगा, 17 जाएगा। चलिए यहां पर ये जो बीच बीच में सवाल है ना बेटा, इनको मैं आपके लिए टिक कर देता हूं, क्योंकि ये सेम टाइप के सवाल हैं और से एक ही टाइप के सवाल को बार बार रिपीट करने से आपका भी टाइम खराब होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बात को समझना। अगला सवाल, एक नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी 6 घंटे में तय करती है। धारा की चाल ज्ञात करिए। सवाल में धारा की चाल पूछी है ना बेटा, धारा की चाल मतलब मुझे तो y का मान निकालना है, लेकिन सवाल में अगर आप ध्यान दोगे तो क्या बोला है, आप बोलोगे गुरुजी एक नाव धारा की दिशा में, अगर धारा की दिशा की बात करी है तो यहां पर x प्लस वाई चाल हो जाएगी। अगर चाल की बात करेंगे तो चाल कैसे निकाली जाती है कि दूरी में समय का भाग देंगे। देखो यहां पर 90 किलोमीटर जा रहे थे तो इस 90 में किसका भाग देंगे, समय का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे। 90 में 5 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 18 जाएगा। तो x प्लस वाई का मान 18 आ गया। आगे सवाल में बोला है जबकि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा वाली चाल को x माइनस वाई बोला जाता है, और चाल कैसे निकालेंगे, वापिस से दूरी बटा समय। यही दूरी, यही दूरी मतलब दूरी तो आपके पास में 90 है और यहां पर समय कितना हो गया, आप बोलोगे सर समय 6 हो गया। 90 में 6 का भाग देंगे कितना जाएगा, 15 जाएगा। x प्लस वाई का मान 18, x माइनस वाई का मान 15। अगर मुझे y का मान निकालना है तो आप ऐसे तो बोलोगे ना कि सर y का मान निकालने के लिए दोनों का अंतर लेकर 2 का भाग दे लो। अगर 18 और 15 का अंतर लूंगा 3, इस 3 में 2 का भाग देंगे तो यहां से कितना जाएगा, मेरे पास में 1.5 निकल के जाएगा, ठीक है ना। तो अपना जो उत्तर होगा वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर निकल के जाएगा। चलिए इस सवाल में कहीं से भी कहीं तक कोई डाउट हो तो बताइए, है ना। चलिए बताइए, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, है ना, इधर मैंने कमेंट का वो लगा रखा है। चलिए हाँ, इन सवालों को आप लोग घर पे करना, ये सवाल वही सेम टाइप के सवाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहां से अपन बात करेंगे, एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 1.5 घंटे में 15 किलोमीटर जाती है, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। देखो सवाल सेम टाइप का सवाल है, फिर भी अपन कर लेते हैं। एक नाव पानी में धारा के विपरीत, धारा के विपरीत बोला है ना बेटा, मतलब x माइनस वाई, और x माइनस वाई चाल को ही बोला जाता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। आप बोलोगे सर दूरी 75 है और समय 3 है, 75 में 3 का भाग देंगे तो x माइनस वाई का मान तो 25 आ गया, ठीक है ना। धारा के अनुकूल बोला है बेटा, तो धारा के अनुकूल x प्लस वाई हो जाएगा, और x प्लस वाई भी चाल को दर्शाएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। यहां पर दूरी इसने अलग कर दी 60, और यहां पर समय 1.5, ठीक है ना। इस पॉइंट को हटाकर ऊपर 0 लगाएंगे, 600 में 15 का भाग देंगे 40 आ जाएगा। तो यहां पर x माइनस वाई का मान 25, x प्लस वाई का मान 40। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला गया था शांत जल में नाव की चाल। आपको पता है कि शांत जल में नाव की चाल को बेटा क्या बोला जाएगा, x बोला जाएगा। और इस x का मान कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है, ठीक है जाएगा। तो अपना जो x का मान है वो कितना निकल के आ गया, 32.5 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए इस सवाल में कहीं से भी कहीं तक कोई भी डाउट हो तो मेरे से, है ना, जरूर पूछना और कमेंट में कमेंट करिए कि ये समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए चलिए, ये जो सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, इनको घर पे जाके प्रैक्टिस करना। ये सेम टाइप के सवाल हैं, ठीक है ना, सेम ही टाइप के सवाल हैं, इनमें कुछ भी नहीं है। आगे की अपन बात करते हैं। चलिए
अगर मैं यहां से अगले टाइप की यहां से बात करूंगा, ध्यान समझना, यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, सवाल में नदी का बहाव बोला है, नदी का बहाव मतलब धारा की चाल, ठीक है ना। चले तो यहां पर धारा की चाल सवाल में इस वाई का मान कितना दे दिया, 4 दे दिया। अगर सवाल में ऐसा बोला जाता ना कि धारा की दिशा में नाव की चाल, तो एक्स प्लस वाई लेते, धारा के विपरीत नाव की चाल तो एक्स माइनस लेते, लेकिन सिर्फ धारा की चाल बोली है तो वही लेना है, सिर्फ नदी की चाल बोली है तो भी वही लेना है, पानी की चाल बोली है तो भी वही लेना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से नदी का बहाव मतलब ये इसका मान, वाई का मान कितना बोला है, 4 बोला है। आगे सवाल में बोला है कि नाव धारा के बहाव के विपरीत, सवाल में क्या बोल दिया कि धारा के बहाव के विपरीत, ठीक है ना। चलिए तो धारा के बहाव के विपरीत मतलब एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल में बोला था कि धारा की दिशा की अपेक्षा, मतलब सवाल में अपन को यहां से 2 अनुपात दे के रखे है, एक धारा की दिशा के साथ में और धारा के विपरीत के साथ में, बात आ रही समझ में। सवाल में बोला गया था कि नाव धारा के बहाव के विपरीत, फिर आगे बोला था कि नाव धारा की दिशा की अपेक्षा, ठीक है ना। तो यहां से नाव धारा के बहाव के विपरीत का धारा की दिशा के साथ में 1 अनुपात दे के रखा था, तो यहां से मैं लिखूंगा धारा के बहाव के साथ में धारा के विपरीत, ठीक है ना। ये धारा के बहाव के साथ में हो जाएगा और ये मेरा विपरीत हो जाएगा। चलिए यहां पर कुछ भी आपको दिया जाए, आप यहां पर चाल का अनुपात लिखना, और मैंने आपको बताया कि x प्लस वाई का मान हमेशा ही ज्यादा होगा और x माइनस वाई का मान हमेशा ही कम होगा जब अपन चाल को लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां पर सवाल में बोला था कि इन दोनों का जो अनुपात है ना, वो बेटा 3 गुना दे के रखा है, 3 गुना का मतलब 3:1 होता है, तो ये 3 इसको देना है और ये 1 इसको देना है, क्योंकि x प्लस वाई वाले को हमेशा ही ज्यादा देना है और x माइनस वाई वाले को हमेशा ही कम देना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बात को समझना कि x प्लस वाई का x माइनस वाई के साथ में इस चाल का अनुपात 3:1 हो गया। चलिए यहां से मुझे क्या आप x बटे में y का मान बता सकते हो क्या, क्योंकि सवाल में y का मान अपन को दे के रखा है। ध्यान से समझना, मैं यहां पर अलग से आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। अगर कभी भी आपको x प्लस वाई और यहां से x माइनस वाई का, अगर मान लो ये आपको चाल का अनुपात दे दिया जाए, ठीक है ना, ध्यान समझना, अगर आपको 5:1 दे दे, तो यहां पर ध्यान से समझना कि जैसे मान लो सवाल में आपको y का मान 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया और फिर आपसे x का मान पूछ लिया, तो देखो बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए अगर सवाल में y का मान दे के रखा है, तो आप यहां से x बटे में y का अनुपात निकाल लो। कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर x प्लस वाई 5 है, x माइनस वाई 1 है, तो यहां से x का मान कैसे आएगा, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ोगे 6, और y का मान कैसे आएगा, अनुपात में जब भी चीजों को लिखोगे ना तो 2 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो x का मान आपको अगर अनुपात में लिखना है ना, x अनुपात y, तो 5+1 करेंगे 6, y का मान लिखेंगे 5 में से 1 को घटाएंगे, यहां पर 4 हो जाएगा। यहां पर ये अपन ने x का y के साथ में अनुपात लिखा है, ठीक है ना। अनुपात लिखते समय आपको 2 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कट जाएगा अगर आप 2 का भाग दोगे भी सही तो, ठीक है ना। चलिए अगर यहां से सवाल में मैं देखूंगा तो y का मान 2 देके रखा है, तो इस y के स्थान पर आप 2 रख लो, ठीक है ना। चलिए अगर वज्र गुणा करोगे ना बेटा, तो 4x और 2 × 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 12 को काटेगा 3 बार, तो इस x का जो मान है वह कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर भी सेम कंडीशन है, अपन x बटे में y का मान निकालेंगे। देखो x का मान निकालो, दोनों को जोड़ो 4, दोनों का अंतर लिया, यहां से मेरे पास में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 बटे में 2 आ गया, इनको काट के छोटा कर लो तो कितना जाएगा, 2 बटे में 1 हो जाएगा।
आप यहां से देखोगे तो y का मान चार देके रखा है, तो इस y के मान के स्थान पर चार रख लो, ठीक है ना। तो x बटे में चार, इधर दो बटे में एक। अगर वज्र गुणा करोगे ना बेटा, तो यहां पर जो x का मान है वो कितना निकल के आ गया, आप बोलोगे गुरुजी 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर देखो कुछ नहीं करना था, यहां पर धारा की दिशा का धारा के विपरीत के साथ में आपको एक अनुपात देके रखा था। कौन सा अनुपात? आपको चाल का अनुपात देके रखा था। अगर समय का अनुपात भी देगा तो भी आपको चाल का अनुपात ही लिखना है, ठीक है ना। चलिए अगर यहां पर इस प्रकार की कंडीशन आपको दी जाती है तो सबसे पहले आप x और y का अनुपात लिखना। देखो x बटे में y का अनुपात कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर x का मान हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो। अनुपात लिखते समय दो का भाग देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर दोनों को जोड़ेंगे तो चार, दोनों को माइनस करेंगे दो, चार में दो का भाग दिया, दो बटे में, ठीक है ना। अगर x का मान दे के रखा है तो x का मान पुट कर लो, अगर y का मान दे के रखा है तो y का मान पुट कर लो। जैसे सवाल में y का मान चार दे के रखा था, इनको वज्र गुणा करेंगे तो x का मान कितना निकल के आ गया, आठ निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, ध्यान से समझना। चलिए देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल अपने पास में ध्यान से देखना। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का तीन गुना है, यदि धारा के विपरीत 48 किलोमीटर जाने में नाव को 6 घंटे लगते हो तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, ध्यान समझना, ठीक है ना। सवाल में पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल को बेटा क्या बोला जाएगा, एक्स बोला जाएगा, ठीक है ना। शांत जल में नाव की चाल को एक्स बोला जाता है, मतलब मुझे तो एक्स का मान निकालना है, ठीक है ना। चलिए बताइए, देखो अगर मैं यहां से बात करूंगा तो आप यहां से ध्यान से देखना सवाल में क्या क्या बोला है। शांत जल में नाव की चाल, ठीक है ना, शांत जल में नाव की चाल मतलब यहां पर एक्स बोला गया है, ठीक है ना। और यहां पर धारा की चाल, और यहां पर धारा की चाल कहने का मतलब यहां पर अपन को एक्स और वाई का अनुपात दे के रखा है, कितना बोला था, तीन गुना बोला था। हमेशा x का मान बड़ा होगा और हमेशा y का मान छोटा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे सवाल में बोला गया था यदि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत का क्या मतलब हो जाएगा, आप बोलोगे गुरुजी x माइनस y हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इधर लिखता हूं, देखो धारा के विपरीत वाली चाल को x माइनस y बोला जाता है, धारा के विपरीत वाली चाल को x माइनस y बोला जाता है। सवाल में क्या बोला है कि 48 किलोमीटर जाने में 6 घंटे लगते हैं, बहुत बार चाल को सीधा सीधा नहीं देगा, आपको किलोमीटर और आपको समय देकर चाल आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो धारा के विपरीत मतलब x माइनस y, आपको 48 तो दूरी देके रखी है और आपको 6 समय देके रखा है, दूरी में समय का भाग दोगे तो 48 में 6 में 6 का भाग दोगे तो यहां से x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे गुरुजी 8 आ गया, ठीक है ना। चलिए अगर सवाल में x माइनस वाई का मान 8 देके रखा है तो आप मुझे बताइए कि यहां से देखिए, अगर यहां से देखोगे ना तो x और y रहा, x माइनस वाई करोगे तो यहां से मेरा 2 निकल के आया है, और इसी x माइनस वाई का मान सवाल में कितना देके रखा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा देके रखा है। बात आ रही समझ में? देखो यहां से अनुपात से देखूंगा तो x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर सवाल में देखूंगा तो इसी x माइनस वाई का मान है ना वो 8 देके रखा है, अगर 2 इकाई का मान 8 है तो 1 इकाई का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अगर 1 इकाई का मान 4 हो गया, सवाल में क्या पूछा है, x का मान पूछा है, तो जिसका भी मान आपसे पूछा जाए उसको 1 इकाई के मान से गुणा कर लेना। 3 को 4 से गुणा करेंगे तो इस x का जो मान है वो बेटा कितना जाएगा, 12 निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए तो यहां पर देखो अपन ने कुछ नहीं किया, इस x और y का अनुपात 3:1 दे के रखा है, सवाल में x माइनस वाई का जो मान है ना वो 8 दे के रखा था, ठीक है ना। चलिए तो यहां से 3 और 1 का मैंने अंतर लिया तो यहां से मेरे पास में 2 होगा, और यही अंतर सवाल में 8 दे के रखा था,
तो दो इकाई का मान आठ है तो एक इकाई का मान कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। अगर एक इकाई का मान चार है तो सवाल में x का मान पूछा था तो तीन इकाई का मान कितना हो जाएगा, बारह निकल के जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अगर ये बात क्लियर है तो एक बार आप लाइक कर दो, ठीक है ना। चलिए कमेंट करिए, कुछ कमेंट हो तो आपका, बाकी आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल में देखो क्या बोला है, आपके एनटीपीसी रेलवे का ही प्रीवियस ईयर का सवाल है, देखो ध्यान से देखना। यदि धारा की चाल एक किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब इस वाई का जो मान है ना बेटा वो ए दे दिया, ठीक है ना। चलिए किसी नाव अथवा तैराकी उद्र प्रवाह जाने में अनुप्रवाह जाने के समय का एन गुना समय लेता है। कहने का मतलब सवाल में क्या बोला है, किसी नाव अथवा तैराक उद्र प्रवाह का, ध्यान से देखना, सवाल में एक अनुपात बोल रखा है कि उद्र प्रवाह का अनुप्रवाह के साथ में जो यहां से अनुपात अपन को बोला है वो कितना बोला है, एन गुना बोला है। तो यहां से ध्यान समझना, अगर मैं उद्र प्रवाह और अनुप्रवाह की बात करूंगा तो यहां से अपन एक्स प्लस वाई और यहां से अपन एक्स माइनस वाई लिख लेंगे। आप इनको इंटरचेंज भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता है कि एक्स प्लस वाई आपका क्या होता है, अनुप्रवाह होता है, और एक्स माइनस वाई आपका क्या होता है, उद्र प्रवाह होता है, ठीक है ना। इनको आप ऐसे पलट कर लिख लोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये अनुपात ध्यान से रखना, ठीक है ना। चलिए अगर मैं आपको चाल का अनुपात बताऊं, देखो यहां से बात को समझना, अगर मैंने आपको बोला तीन गुना तो आप यही तो बोलोगे ना कि सर अगर मुझे अनुपात लिखना हो चाल का तीन गुना, तीन इसको देंगे और यहां से एक इसको देंगे, ठीक है ना, यही तो बोलेंगे। फिर यहां पर जो समय का अनुपात है आप क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, एक मेरा इसका हो जाएगा और तीन मेरा इसका हो जाएगा, अगर समय का अनुपात देखेंगे तो, ठीक है ना। चलिए लेकिन इस तीन गुना की जगह अगर सवाल में एन गुना बोल दिया तो यहां पर क्या एन गुना बोलने से अपना कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा। मैंने आपको क्या सिखाया कि तीन गुना बोला था तो ये तीन किसको देंगे, एक्स प्लस वाई को देंगे। अगर तीन की जगह एन गुना दे दिया तो एक्स प्लस वाई को एन दे देंगे, फिर एक्स माइनस वाई का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे तीन गुना बोला तो एक्स प्लस वाई को तीन देंगे तो एक्स माइनस वाई को एक दे देंगे, अगर एन गुना बोलेगा तो एक्स प्लस वाई को एन देंगे तो एक्स माइनस वाई का कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अगर चाल का अनुपात यह है तो आप बोलोगे गुरुजी समय का अनुपात ऐसे उल्टा कर दो, ठीक है ना। चलिए तो यही सेम कॉन्सेप्ट देखो यहां पर लगेगा, है ना, ध्यान समझना। अगर मैं यहां से बात करूंगा तो आप बोलोगे सर धारा की चाल वाई का जो चाल है ना वो सवाल में एक किलोमीटर प्रति घंटा देके रखा था, ठीक है ना। चलिए उद्र प्रवाह का अनुप्रवाह के साथ में अनुपात एन गुना, अब चाहे वो समय का अनुपात दे चाहे वो आपको चाल का अनुपात दे, सबसे पहले चाल का अनुपात लिखना है। आप बोलोगे कि सर चाल का अनुपात लिखेंगे, इसको एन देंगे इसको एक देंगे, तो यहां पर जो समय का अनुपात है ना बेटा वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आप बोलोगे गुरुजी एक को इधर कर दो और यहां से एन को इधर कर दो, यही तो हो जाएगा, ठीक है ना। चले आगे सवाल में बोला गया था, आगे सवाल में बोला गया था समान दूरी के लिए शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल को एक्स बोला जाता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी यही मुझे निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो देखो बहुत आसान है, आपको पता है कि सवाल में आपको क्या देके रखा है, वाई का मान देके रखा है। अगर सवाल में वाई का मान देके रखा है क्या मुझे आप इस एक्स बटे में वाई का मान निकाल सकते हो क्या? चलिए अभी थोड़ी देर पहले ऐसा सवाल किया था कि अगर एक्स और वाई का मान निकाल दे के रखा हो तो सबसे पहले एक्स और वाई का अनुपात निकालिए। सवाल में अगर एक्स और वाई का मान दे के रखा हो ना तो आप सबसे पहले एक्स और वाई का अनुपात निकालिए। आप एक्स और वाई का अनुपात कैसे निकालोगे भाई, एक्स का मान तो निकालोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से ध्यान समझना, अगर यहां से इन दोनों को जोड़ोगे तो n और 1 को जोड़ोगे तो यहां से कितना हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना।
इस वाई का मान कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर दोनों का अंतर लेना है, दोनों का अंतर लोगे तो यहां से कितना हो जाएगा, एन माइनस वन हो जाएगा। यही तो किया था अपन ने भाई, एक्स का मान कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर दोनों को जोड़ा, एन और एक को जोड़ा तो एन प्लस वन। अगर यहां से वाई का मान निकालना है तो यहां से दोनों का अंतर लिया तो एन माइनस वन। इस समय का आप अनुपात नहीं भी लिखोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने आपको क्या बताया, आप बस चाल का अनुपात लिखिए, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर ध्यान से देखना, इस x का मान तो n प्लस वन, वाई का मान n माइनस वन, ठीक है ना। सवाल में देखो y का मान a देके रखा है, तो आप भी इस y के स्थान पर a लिख लो, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा, इस y के स्थान पर a लिख लिया तो यहां पर आपको अगर x का मान निकालना है तो y को कहां भेजना पड़ेगा? आप बोलोगे गुरुजी y को उधर भेज दो, ठीक है ना। चलिए अगर यहां से आपको x का मान निकालना पड़ेगा तो इस y को, मतलब इस a को किधर भेजना पड़ेगा? उधर भेजना पड़ेगा। तो यहां पर x का मान, इस x को तो यहीं पर रख दो और इस नीचे वाले a को अपन किधर भेज देंगे? आप बोलोगे गुरुजी इधर भेज दो, ठीक है ना। तो यहां पर इस x का जो मान है ना वो कितना निकल के आ गया, n प्लस वन बटे में n माइनस वन गुणा a हो जाएगा। देखो यहां से n प्लस वन बटे में n माइनस वन गुणे में a, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर a हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़िया सवाल नहीं था, मतलब नॉर्मल सवाल था, लेकिन चीजों को इस प्रकार देके रखा था कि अच्छे अच्छे बच्चे पागल हो गए थे इस सवाल को करने में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो सवाल में क्या बोला है कि एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, यदि उसे समान दूरी को अनुप्रवाह में तय करने की तुलना में उसी दूरी को उद्र प्रवाह में तय करने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। सवाल में बोला गया था कि अनुप्रवाह का उद्र प्रवाह के साथ में अनुपात, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर मैंने x प्लस वाई और यहां से मैंने x माइनस वाई, अगर मैं यहां से चाल का अनुपात लिखूंगा ना बेटा तो यहां पर बहुत आसान है, कितना देके रखा है? आप बोलोगे गुरुजी 2 गुना देके रखा है। अब ये समय दे या फिर चाल दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाल का अनुपात लिखिए। अगर 2 गुना देके रखा है तो x प्लस वाई को 2 रखेंगे तो x माइनस वाई को कितना रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर चाल का अनुपात 2:1 हो गया। सवाल में धारा की गति पूछी है, धारा की गति मतलब y का मान निकालना है बेटा, ठीक है ना। चलिए और सवाल में दे क्या रखा है, एक आदमी स्थिर पानी में, स्थिर पानी की जो चाल है ना वो 4 देके रखी है। आदमी की चाल स्थिर पानी में को क्या बोला जाता है? x बोला जाता है। भाई नाव की चाल शांत जल में, शांत जल मतलब स्थिर जल हो गया, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर मैं बात करूंगा, आदमी की जो चाल है ना वो स्थिर पानी में x को बोला जाता है, तो x का मान 4 हो गया। चलिए अगर सवाल में x का मान दे के रखा है तो आप सबसे पहले x बटे में y का मान निकालिए। x का मान कैसे निकालोगे? दोनों को जोड़ोगे 3, इन दोनों का अंतर लोगे 1, ठीक है ना। आप जो भी देके रखा है ना उसका मान पुट कर दो। सवाल में आप देखोगे x का मान कितना पुट करोगे, आप बोलोगे गुरुजी 4 पुट कर दो, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर सवाल में अपन यहां से देखोगे तो x का मान अपन ने 4 पुट कर दिया, ठीक है ना। चलिए हाँ, यदि उसे समान दूरी को अनुप्रवाह में तय करने की तुलना में उसी दूरी को उद्र प्रवाह में तय करने में 2 गुना समय लगता है, समय का अपन को देके रखा है, धारा की गति ज्ञात करिए, ठीक है ना। चलिए यहां से अगर मैं वज्र गुणा करेंगे, यहां से अगर मैं वज्र गुणा करूंगा तो यहां से 3y = 4 होगा। इस सवाल के ऑप्शन थोड़े से गलत है, ठीक है ना, इस सवाल के ऑप्शन थोड़े से गलत है। तो यहां से आप बोलोगे सर 1 बार भाग गया, ठीक है ना, कितना बचा 1/3, ठीक है ना। चलिए तो इस सवाल के ऑप्शन ही थोड़े गलत थे, ठीक है ना। चलिए इस सवाल के एक्चुअल में ऑप्शन गलत नहीं है, आप अगर सवाल को देखोगे ना बेटा तो इंग्लिश में थोड़ा सा अलग लिखा हुआ था, ठीक है ना। चलिए
तो यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग एरर था, तो अपन सवाल को हल करते हैं, इसको सही करते हैं, ठीक है ना। यहां पर ये जो 4 किलोमीटर लिखा है ना बेटा, ये 4 किलोमीटर नहीं है, ये 4 से ही 1/2 किलोमीटर है, इस वजह से अपना उत्तर थोड़ा सा अलग आ रहा था, ठीक है ना। चलिए तो यहां से मैं सवाल को करेक्ट कर देता हूं, ध्यान समझना। ये अपने पास है 4 से ही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, ये मेरा सवाल था। चलिए, क्योंकि इंग्लिश में तो सही लिखा था, हिंदी में थोड़ा गलत था। तो यहां पर अपन ने एक्स बटे में वाई का मान क्या निकाला, आप बोलोगे गुरुजी 3/1 निकाल लिया, ये तो निकाला था, ठीक है ना। चलिए, अगर सवाल में एक्स का जो मान है ना वो कितना देके रखा है, आप बोलोगे गुरुजी एक्स का जो मान है ना वो 4 से ही 1/2, इसका मतलब कितना हो जाएगा, सवाल में 9/2 दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर वैल्यू पुट कर लो, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इस एक्स के स्थान पर 9/2 पुट कर लो, देखो 9/2, वाई का मान नीचे 3/1 हो जाएगा, ठीक है ना। वज्र गुणा करेंगे तो 3 को 2y के साथ में गुणा करेंगे, 6y = 9, इस y का जो मान है ना वो 9/6 हो जाएगा, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 2 बार, तो अपना जो y का मान है वो कितना निकल के आ गया, 1.5 निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए तो सवाल को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, ये 4 से ही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा था, अगर इस x का मान अपन 4 से ही 1/2 मतलब 9/2 रखेंगे तो यहां पर y का जो मान है वो कितना निकल के आ जाएगा, 1.5 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इस सवाल में कोई भी डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, सवाल में क्या बोला है, धारा के प्रतिकूल यात्रा करने पर किसी नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि धारा के प्रतिकूल, ठीक है ना। चलिए तो धारा के प्रतिकूल जो समय लग रहा था ना बेटा, वह कितना लग रहा था, 8 घंटे 48 मिनट लग रहा था, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर धारा के प्रतिकूल x - y और यहां पर अपन समय का अनुपात सीधा लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर समय का अनुपात अपन लिखेंगे, अगर मैं यहां से बात करूंगा धारा की दिशा में तो यहां पर x + y, ध्यान से देखना, धारा के प्रतिकूल यात्रा करने पर जो समय देके रखा था ना वो 8 घंटे 48 मिनट का देके रखा था। आप 8 घंटे 48 मिनट को है ना पूरा आप घंटे में बदल लो, ठीक है ना। 8 घंटे तो मेरा वैसे के वैसे ही रहा, लेकिन 48 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे ना तो 60 का भाग देंगे, 12 का भाग दिया 4, 12 का भाग दिया 5, तो यहां से कितना हो जाएगा, 8 से ही 4/5 घंटे, इसको मैं 5 × 8 = 40 और 4 कितना हो जाएगा, 44/5 घंटे, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर आप जब भी घंटे और मिनट में एक साथ दिया जाए तो आप इसको या तो घंटे में बदल लो या फिर मिनट में बदल लो, ठीक है ना। चलिए तो यहां से धारा के विपरीत जाने में 8 घंटे 48 मिनट, मतलब मैंने इसको क्या बदल लिया, घंटे में बदल लिया, घंटे में बदलोगे तो 44/5 हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे अगर सवाल में मैं देखूंगा धारा के अनुकूल यात्रा करने पर, सवाल में धारा के अनुकूल यात्रा करने पर समान दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। धारा के अनुकूल अगर आप यात्रा कर रहे थे तो कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा। इस 4 घंटे को मैं 4/1 भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला गया था कि नाव की गति को क्या बोला जाता है, x बोला जाता है, नाव की गति और धारा की गति के मध्य अनुपात, मतलब मुझे x और y का जो चाल का अनुपात है वो निकालना था। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए देखो यहां से बहुत आसान है, ध्यान समझना, सबसे पहले तो ये जो अनुपात ऐसा लिखा हुआ है ना इसको थोड़ा सा सही करिए, इसको अगर आप सही करोगे तो वज्र गुणा करना पड़ेगा, 1 को 44 से गुणा किया 44, 5 को 4 से गुणा किया 20, इसको अगर 4 से काटेंगे तो 11, 4 से काटेंगे 5, तो यहां पर आपको जो समय का अनुपात है ना बेटा वो 11/5 मिल गया। अगर समय का अनुपात 11/5 मिल गया तो यहां से चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा। और नहीं भी लिखोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता है कि x का मान कैसे निकाला जाता है,
अगर अनुपात निकालना है तो दो का भाग देने की आवश्यकता नहीं है। देखो x का मान कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे गुरुजी दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ोगे तो 16, अगर y का मान निकालेंगे दोनों को माइनस कर लो, 11 में से 5 जाएगा तो 6, ठीक है ना। देखो 2 से काटेंगे तो 8 बार, 2 से काटेंगे तो 3 बार, तो यहां पर x और y का जो अनुपात है वह कितना मिल जाएगा, 8:3 मिल जाएगा। और इस 3:8 में आप कंफ्यूजन मत होना, हमेशा x का मान ज्यादा ही मिलेगा और y का मान हमेशा ही कम मिलेगा अगर मैं चाल की बात करूंगा तो, ठीक है ना। चलिए तो ये सवाल भी बहुत आसान था, ध्यान से देखना। देखो अगला सवाल ध्यान से देखना, अगला सवाल अपना एक टाइप बनाता है जिसमें अगर मेरे को दूरी ज्ञात करनी है तो आप क्या करोगे, पहली दूरी इंटू दूसरी दूरी, इन दोनों दूरियों का अंतर और यहां पर जो भी समय आपको देके रखा हो, ठीक है ना। चलिए तो यहां से ध्यान से समझना, सवाल में क्या बोला है, एक आदमी स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, मतलब यहां पर जो नाव की चाल है ना बेटा वो 6 देके रखी है। यदि धारा की गति, धारा की गति मतलब सवाल में 2 देके रखा है, ठीक है ना। चलिए आगे बोला गया है इसे समान दूरी के लिए अनुप्रवाह में जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में 4 घंटे अधिक समय लगता है, आपको ये जो समय है ना बेटा वो आपको ऐसे अधिक और कम में दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए ये जो भी समय है आपको कैसे दिया जाएगा, आप बोलोगे गुरुजी ये अधिक और कम में दिया जाएगा, आपको ऐसा बोला जाएगा कि धारा के अनुकूल जाने में धारा के विपरीत जाने से 2 घंटे कम समय लगते हैं, 2 घंटे ज्यादा समय लगेंगे, इस प्रकार से दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो आपको यहां पर दूरी निकालने को बोलेगा, जब भी दूरी निकालने को बोले तो आपको देखो ये करना है, अगर आपने चाल दूरी समय को बढ़िया से पढ़ा है ना तो इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है मुझे, ठीक है ना। चलिए तो पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे में दोनों चालों का अंतर इंटू क्या करेंगे, समय करेंगे। लेकिन आप बात को समझना, ये जो चाल आप यहां पर रखोगे ना, पहली चाल इंटू दूसरी चाल, ये क्या रखनी है यही इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर ध्यान से समझना, ये जो अपन ने S1 लिखा है ना, ये आप बोलोगे जाने वाली चाल को बोला जाता है, और यहां पर ये जो S2 मैंने लिखा है ना, ये वापस आने वाली चाल को बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर दूरी निकालना देखो बहुत आसान है, आप बोलोगे सर S1 कैसे निकालेंगे, इन दोनों चाल को प्लस करिए, इन दोनों चाल को प्लस करेंगे x प्लस y को तो मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों चालों का अंतर लेंगे तो यहां से 4 हो जाएगा, तो S1 का मतलब तो 8 हो गया और यहां से S2 का मतलब 4 हो गया, 8 और 4 का अंतर 4 हो गया, ठीक है ना। अगर मैं समय की बात करूंगा तो यहां से समय मेरे पास में 4 हो गया, ठीक है ना, ये 4 इसको काटेगा तो यहां से जो दूरी है वो कितनी निकल के आ गई, 32 किलोमीटर निकल के आ गई, ठीक है ना। चलिए तो यहां से देखो क्या रखना है, पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे में चालों का अंतर इंटू समय, लेकिन पहली चाल क्या लेना है, जाने वाली चाल, एक्स प्लस वाई करना है, S2 का क्या मतलब हो जाएगा, आने वाली चाल एक्स माइनस वाई करना है, ठीक है ना। तो एक्स प्लस वाई करेंगे 8 आ गया, एक्स माइनस वाई करेंगे 4 आ गया, फिर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अपना उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग करना घर पे जाके। देखो यहां से समय जब भी निकालना हो ध्यान से समझना, समय निकालना बहुत आसान है, दूरी बटे में आपको चाल करना है, ठीक है ना। सिंपली आपको दूरी बटे में चाल करना है, जब भी वो सवाल में पूछे ना कि मिलने वाला समय बताओ, एक इधर से आ रहा था एक इधर से आ रहा था, अगर मिलने वाला समय आपसे पूछा जाए तो दूरी बटे में चाल आपको करना है, ठीक है ना। चलिए लेकिन यहां पर जो चाल आप रखोगे ना बेटा, वो आपको यहां पर चाल सापेक्ष रखना है और दूरी क्या रखोगे, दोनों के बीच की दूरी रखना है, ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला है कि दो नाव ए तथा बी अलग अलग जगहों से एक दूसरे की तरफ चलते हैं, एक नाव इधर से चल रही थी एक नाव इधर से चल रही थी, ठीक है ना। चलिए इन दोनों जगह के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है,
तो यहां पर जो दूरी है ना, इसका मान अपन ने 108 रख दिया बटे में। चलिए अगर मैं यहां से बात करूंगा, इस नाव ए की जो चाल है ना बेटा, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस बी की जो नाव चाल है ना बेटा, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एक नाव इधर से इधर जा रही थी और एक नाव इधर से इधर जा रही थी। अगर यहां से आप विपरीत दिशा में जाते हो तो चाल कैसे निकला जाता है? आप बोलोगे गुरुजी दोनों को जोड़ लो, ठीक है ना। चलिए तो यहां से सापेक्ष चाल के मैं बात करूंगा ना, अगर दो नाव, दो आदमी बोल लो, दो ट्रेन बोल लो, एक दूसरे के विपरीत जाएंगे तो अपने चाल को कैसे निकालते हैं? इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर सापेक्ष चाल मेरे पास में 27 हो गई, तो 27 का भाग दे लो। चलिए देखो यहां से 9 से काटूंगा 12 बार, 9 से काटूंगा 3 बार, 12 में 3 का भाग देंगे तो अपना जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा? 4 घंटे हो जाएगा। 4 घंटे के बाद वो दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर सवाल में बोला गया था कि मनीष शांत जल में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित स्थान पर जाता है तथा वापस पुनः लौट कर आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल, हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको यह सिखाया था कि दो चाल का औसत चाल क्या होता है। आप बोलोगे गुरुजी दो गुणा पहली चाल इंटू दूसरी चाल बटे में s1 + s2, ठीक है ना। चलिए जब भी आपको दो चाल देकर औसत चाल पूछा जाए, और नाव धारा वाले चैप्टर में आपको दो ही चाल दी जाएगी हमेशा, ठीक है ना। चलिए और इस s1 का मतलब मैंने आपको बताया जाने वाली चाल, और इस s2 का मतलब मैंने आपको बताया आने वाली चाल। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे ना तो औसत चाल निकल के आ जाएगी। आप बोलोगे शांत जल में मनीष की चाल, मतलब x का मान 4.5 दे के रखा है, नदी की जो चाल है ना बेटा y का मान 1.5 दे के रखा है। अगर x + y का मान निकालोगे तो आप बोलोगे गुरुजी 6 आ गया। अगर x - y का मान निकालोगे, यहां से 3 आ गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, देखो यहां से s1 6, s2 3 दोनों को जोड़ेंगे, यहां से 9, ठीक है ना। 3 9 को काटेगा 3 बार, 3 6 को काटेगा 2 बार, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो कितना निकल के आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का उत्तर निकल के आ जाएगा। चलिए अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छी लगी हो ना बेटा, इसको उन लोगों तक पहुंचाना जिनको रियल में इस तरह के वीडियोज की आवश्यकता है। आप पूरे YouTube पर छान मारना, ऐसा नाव और धारा अगर पहले किसी ने पढ़ा दिया हो ना तो आप मेरे से बोल देना कि सर आपसे अच्छा उन्होंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना। और इतना जितना कंटेंट मैंने आपको दिया है ना इस एक क्लास में, इतना कंटेंट अगर किसी ने दे रखा हो ना फ्री में, तो आप मुझे आकर बता देना, ठीक है ना। लगभग हर वो टाइप का सवाल मैंने आपको करवाया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और आपके LP टेक्नीशियन के लिए आवश्यक है। इससे ज्यादा टाइप के सवाल नाव धारा में बनते ही नहीं है। अगर नाव धारा में इससे ज्यादा टाइप के सवाल बनते ही नहीं है तो आपको जबरदस्ती एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। आपको इतना ही पढ़ना है, आपका अगर नाव धारा का सवाल पेपर में आएगा तो आपसे बहुत इजीली पेपर में बन जाएगा। आप रेलवे के प्रीवियस ईयर के सवाल उठाकर देखना, आपसे एक एक सवाल बहुत बढ़िया से बनेगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो जितने भी लोग देख रहे हैं ना, सब लोग लाइक कर देना क्लास को। चलिए मिलते हैं परसों सोमवार को, संडे को छुट्टी रहेगी, आप लोग संडे को टेस्ट देना और मंडे को अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चलिए थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड नाइट। चलिए वंदे मातरम, जय भारत। कौन सा डाउनलोड कर दिया? अभी डाउनलोड किया आपने?